नमस्कार। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे पिछले वीडियो से। अब आगे की लेसन को स्टार्ट करते हैं। डोंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माय कोट इज, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। डज नॉट, डजंट, इसको पढ़ेंगे हम लोग डजंट, और फुल लिखेंगे तो डी ओ ई एस एन ओ टी लिखा जाएगा। डजंट एनीवन इन द होल हाउस नो वेयर माय कोट इज, एनीबडी, कोई भी, इन द होल हाउस नो वेयर माय कोट इज, एनीबडी मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, नो नो, यहाँ पर नो ही लिखा जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव में डज पहले ही लिखा जा चुका है। डज के साथ हम वी वन का ही यूज़ करते हैं। वेयर एडवर्ब है, माय कोट इज क्या, कोई भी नहीं जानता है पूरे घर में, इन द होल हाउस, होल हाउस, होल मेरा एडजेक्टिव हो रहा है, हाउस मेरा नाउन हो रहा है, इन द होल हाउस, इन द होल हाउस नो वेयर माय कोट इज, कि पूरे घर में कोई भी नहीं जानता है मेरी कोट कहाँ है। आई नेवर कम अक्रॉस सच अ सीट इन माई लाइफ। आई सब्जेक्ट हो रहा है, प्रोनाउन है। नेवर कैम अक्रॉस, केम अक्रॉस मतलब भेंट होना, मुलाकात होना, या फिर किसी सिचुएशन से सामना होना। सच अ सीट, सच मेरा एडजेक्टिव है, अ सीट नाउन है, इन ऑल माई लाइफ, लाइफ मेरा नाउन है, माई एडजेक्टिव है, और ऑल भी यहाँ पर एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, इन मेरा प्रीपोजिशन है। सेंटेंस इस तरह से लिखा गया है, आई नेवर, मैं कभी नहीं, एडवर्ब, आई नेवर कम अक्रॉस, मैं ऐसी सिचुएशन, सच अ सीट, ऐसी स्थिति से कभी नहीं मिला, इन होल माई लाइफ, इन ऑल माई लाइफ, मैं पूरे जीवन में, अपॉन माई वर्ड आई डिडंट, मेरे शब्दों में भी नहीं। सिक्स ऑफ यू, सिक्स ऑफ यू, तुम में से छः, एक्सक्लेमेशन नोट दिया गया है, एंड यू कैन नॉट फाइंड अ कोट, तुम छः हो, एंड यू कैन नॉट, कांट, यू कांट फाइंड अ कोट, और तुम एक कोट नहीं पता लगा सकते हो। यू मेरा सब्जेक्ट है, कैन नॉट एक्सोलरी वर्ब है, फाइंड अ कोट पता लगा सकते हो। दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स एगो, ये भी एक्सक्लामेटरी ही सेंटेंस है। आई पुट डाउन, मैंने नीचे रखा था या रखा था, नॉट 5 मिनट्स एगो, 5 मिनट पहले भी मैंने इसे नहीं रखा है। आई वेल ऑफ यू, तुम सबका भला हो। द Then he had get up, यहाँ पर एच ए डी, इसमें होता है एच ई एपोस्ट्रोफी डी, इसका दो मीनिंग होता है। ही हैड भी हम इसको बोल सकते हैं एच ए डी, या ही वुड भी होगा एच ई, ही डब्ल्यू ओ यू एल डी भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो दिया गया है वो ही वुड करेंगे, ही वुड गेट अप, ही वुड गेट अप, वे उठेंगे, गेट अप फ्रेजल वर्ब है, उठेंगे, ही वुड गेट अप एंड फाइंड, और खोजेंगे या पता करेंगे। दैट ही हैड नॉट बी, ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, और पता चलेगा कि, दैट कंजक्शन हो रहा है, He had been sitting on it. वे इसी के ऊपर, on it, बैठे हुए थे। It मेरा pronoun है, और pronoun quote के लिए लाया गया है, quote पर ही बैठे हुए थे। And would call out, और पुकारेंगे, बुलाएंगे, oh, you can give it up. You subject हो रहा है, can give Eat up, give up, phrasal verb का इस्तेमाल किया गया है।
कैन मेरा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यू कैन गिव, तुम छोड़ दे सकते हो इसे, मतलब छोड़ दो। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, मैंने इसे स्वयं पाया है, नाउ अब पा लिया है। आई माइट जस्ट आस्क, वेल मैं कह सकता था, और मैं कह सकता था, द कैट टू फाइंड एनी थिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट, आप लोगों से किसी चीज को पाने की आशा बेकार है। एंड वेन एडवर्ब है, वेन हाफ एन आवर आधा घंटा हैड बीन स्पेंट व्यतीत हो जाता है इन टाइंग अप बांधने में हिज फिंगर उनकी उंगलियों को एंड ए न्यू ग्लास हैड बीन गॉट और तब क्या होता है एक नया शीशा जो फूट चुका था हैड बीन गॉट मतलब लाया जाता या पाया जाता एंड देन टूल्स तब औजार द लेडर एंड द चेयर एंड द कैंडल हैड बीन ब्रॉट तब लाया जाता ही वुड हैव अनदर गो तब फिर से वो शुरू होते अनदर गो मतलब फिर से स्टार्ट करना फिर से प्रारंभ करना अनदर गो द होल फैमिली पूरा परिवार फैमिली नाउन है होल एडजेक्टिव है इंक्लूडिंग द गर्ल लड़कियों भी उसमें शामिल रहती हैं एंड द चारूमैन जो घर को साफ सफाई करते हैं चारूमैन कहलाते हैं स्टैंडिंग अराउंड इन खड़ी रहती चारों तरफ इन ए सेमी सर्कल अर्धवृत्ताकार आकार में वो चारों तरफ खड़ी रहती रेडी टू हेल्प मदद करने के लिए तैयार टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर दो लोगों को टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर दो लोगों को कुर्सी पकड़नी होगी एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट एंड थर्ड और तीसरा वुड करेगा क्या करेगा भाई हेल्प मदद किनको उनको अप ऑन इट उसमें चढ़ने में तीसरा मदद करेगा एंड होल्ड हिम देयर और इसे पकड़ो एंड फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल फोर्थ चौथा वुड हैंड हिम उनको मदद करेगा देने में ए पकड़ाने में ए नेल कांटी को एंड फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर और पांचवा वुड करेगा क्या करेगा पास अप ऊपर हिम उनको पास अप कर देगा हैमर हथौड़ी को ऊपर दे देगा एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल और ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल वो कांटी को पकड़ लेंगे एंड ड्रॉप इट और इसे गिरा देंगे देयर वहाँ ही वुड से वे कहेंगे इन एन इंज्यूर्ड टोन थोड़ा सा क्रोधित होके नाउ द नेल्स गोन अब कांटी चली गई कांटी गिर गई कांटी खो गई एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नेल्स एंड और वी वुड ऑल हम सभी को हैव टू गो डाउन नीचे हो जाना पड़ता ऑन आवर नीज घुटनों के बल एंड ग्रोवल फॉर इट और इसको खोजना पड़ता वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर और जब वे कुर्सी पर खड़े रहते एंड ग्रंट गुर्राते एंड वांटेड टू नो और जानना चाहते थे इफ ही वाज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग इफ क्या ही वाज टू बी केप्ट उनको रखा जाना था देयर वहाँ ऑल द इवनिंग मतलब पूरे शाम उनको कुर्सी पर ही खड़े रखना था द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट द नेल सब्जेक्ट हो गया वुड बी फाउंड पैसिव वॉइस में लिखा गया है वर्ब है मेरा द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट अंत में पाया जाता अंत में मेरा हो गया एडवर्ब बट लेकिन बाई दैट टाइम लेकिन बाई दैट टाइम उस समय तक ही वुड हैव टू लॉस्ट द हैमर और जब तक कांटी मिल जाती तब तक वे क्या कर देते अपने हैमर को खो देते वेर इज द हैमर हैमर कहाँ है वेयर्स द हैमर हैमर
कहाँ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, मैंने हैमर के साथ क्या किया, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया हैमर के साथ, ग्रेट हेवेंस, हे प्रभु, सेवन ऑफ यू, तुम सात, सातो, गैपिंग अराउंड देयर एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर, गैपिंग अराउंड देयर एंड यू डू नॉट नो, डोंट नो वेयर व्हाट आई डिड विथ द हैमर, मैंने हथौड़ी के साथ क्या किया, ही वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानते हो, व्हाट आई डिड, ये एडवर्ब हो रहा है, रिलेटिव एडवर्ब हो रहा है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजक्शन का भी काम करता है, आई डिड नॉट, आई डिड विथ द हैमर, और क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने हथौड़ी के साथ क्या किया, ही वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, वी वुड फाइंड, हम पता लगाते, हम खोजते द हैमर, हैमर को, फॉर हिम, उनके लिए, एंड देन ही वुड लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क, यानी कि ही वुड हैव लॉस्ट, तब वे खो चुके होते, क्या खो चुके होते, मार्क, चिन्ह को, साइट ऑफ द मार्क, मार्क के चिन्ह को खो चुके होते, ही हैड मेड ऑन द वॉल, ही हैड मेड, जो लगाया था उन्होंने दीवार पर, वेयर द नेल, कांटी कहाँ है, वाज टू गो इन, वेयर द नेल, वाज टू गो इन, वेयर द नेल, जहाँ पर कांटी, वाज टू गो इन, यानी कि ठोकी जानी थी, वाज टू गो इन, इन मने अंदर, गो मने जाना, वाज मतलब थी, वेयर जहाँ, द एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर द नेल, जहाँ कांटी ठोकी जानी थी, यानी कि जाने वाली थी, घुसने वाली थी, एंड ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, अस प्रोनाउन है, ईच एडजेक्टिव है, हैड टू गेट अप, खड़ा होना पड़ता, ऑन द चेयर, कुर्सी पर, ऑन द चेयर, बिसाइड हिम, उनके बगल में, यानी कि दीवार पर जो मार्क किया हुआ था, अब वो उसके ही मार्क को खो दिया गया है, तो सभी कुर्सी पर खड़े हो जाते उनके बगल में, एंड वी वुड ईच डिस्कवर, हम प्रत्येक कोई खोजते, ईच इन अ डिफरेंट प्लेस, हर एक कोई अलग अलग जगह में उस मार्क को चिन्हित करते, एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और वे हम सभी को मूर्ख कहते, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे को, एंड टेल अस टू गेट डाउन, और कहते कि नीचे उतर जाओ, गेट डाउन माने नीचे उतरना, एंड ही वुड टेक द रूल, अब वो इंच को पकड़ लेते, ले लेते, एंड रीमेजर, फिर से नापते, एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31, एंड फाइंड दैट ही वांटेड, वे चाहते थे हाफ, आधा, 31, यानी कि 31 और आधा, 31.5 मेजरमेंट वो चाहते थे, एंड 38 इंच फ्रॉम द कॉर्नर, और 38 इंच फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से, एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड, और इसको वो अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करते, एंड गो मेड, और फिर थोड़ा पागल हो जाते हैं।